हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर रेडिएशन स्ट्रेटिफिकेशन एंड हीट बर्डगेट सोलर रेडिएशन। सौर विकिरण पृथ्वी अपनी लगभग सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती हैं, जो पृथ्वी अपनी सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती हैं और यह ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में विकर्ण कर देती हैं। कुछ समय तक अर्थ न तो हॉट होती और न ही कोल्ड होती। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ द्वारा प्राप्त और रेडिएशन की मात्रा और तीव्रता एक दिन, एक मौसम और कई वर्ष के दौरान अलग अलग होती है। निम्नलिखित फैक्टर्स हैं जो इन वेरिएबिलिटीज का कारण बनते हैं। फर्स्ट है अर्थ का अपने एक्सिस में घूमता, मतलब अर्थ का अपनी पृथ्वी का अपनी ही सतह में घूमना। सन की रे के झुकाव का कोण। डे ऑफ लेंथ, वातावरण की पारदर्शिता, इसके पहलू के संदर्भ में भूमि का विन्यास। हीट बडगेट ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस अपना टेम्परेचर बनाए रखती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य ताप के रूप में अर्थ द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से अर्थ द्वारा खोई गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती हैं। जब 100% सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो लगभग 35% पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। परावर्ती माध्यम को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। एनर्जी की यह मात्रा न तो अर्थ को और न ही वायुमंडल को गर्म करती है। इन्वर्सन्स ऑफ टेम्परेचर्स, वह स्थिति जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तापमान का व्युत्क्रमण कहलाता है। इस स्थिति में गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर रहती है। सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। लॉन्ग विंटर्स नाइट्स, दिन की गर्मी रात के दौरान समाप्त हो जाती है और सुबह के समय अर्थ ऊपर की हवा की तुलना में ठंडी होती है। क्लियर स्काई, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्काई क्लियर होता है। ड्राई एयर नियर रेडिएशंस को कम अवशोषित करती हैं और विकिरण को बाहर निकाल देती हैं।